الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FPI. I hope you are all fine as I am. Dear students, today we are going to discuss one more important and very interesting topic, that is change of state of matter, and it will be the lecture number 4 of this chapter, matter in our surroundings. So students, change of state of matter ka matlab kya hai? As I already told you that physical classification of matter is based on physical properties. और उसमें क्या है, मैटर को तीन क्लासेस में, तीन स्टेट्स में क्लासिफाई किया गया. दैट मीन्स मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स. वो थ्री स्टेट्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, इसी तरह से लिक्विड दूसरी स्टेट है, गैस और एक स्टेट है मैटर की, तीसरी स्टेट है मैटर की. हम इस एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और यानी ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में. तो इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा टॉपिक है. तो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बाय टू वेज. हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की चेंज कर सकते हैं दो तरीकों से, दो वे से, टू वे से हम चेंज कर सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. क्या, कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाई चेंजिंग द प्रेशर. हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की फॉर्म को, मैटर की स्टेट को, मैटर की फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसको चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं. दैट मीन्स टेम्परेचर हमने चेंज किया. इसी तरह से अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे यानी इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसको भी चेंज ऑफ प्रेशर कहते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करने से कैसे एक मैटर कैसी, यानी मैटर कैसी, किस तरीके से मैटर की स्टेट हम चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, ये हम देखेंगे. सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड. जब हम यानी सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है, हम सॉलिड को तब्दील कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में. तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. अब मेल्टिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग. यानी हीट करके जब हम सॉलिड को चेंज करते हैं किसमें, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. नाउ व्हाट इज मेल्टिंग, सिंपली वी कैन से दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर ऑन हीटिंग. हीट करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वी आर चेंजिंग टेम्परेचर, तो मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है. सो द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने स्टूडेंट्स आइस लिया. आइस क्या है, ये सॉलिड है, ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है आइस. तो हीट जब हमने इसको दी तो ये वाटर बन गया, दैट मीन्स लिक्विड बन गया. सो सॉलिड टू लिक्विड, इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग ऑन हीट. यानी हीट करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वो टेम्परेचर, मैंने अभी आपको बोला सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में. अब जिस टेम्परेचर पे ये होता है, यानी उस वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड सब्सटेंस चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. So the temperature at which a solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure is called as melting point of that substance. So क्या कहना, melting point. For example, students, melting point of ice is 0 degree centigrade, या 0 degree centigrade, या इसको 0 degree Celsius भी पढ़ा जाता है. तो melting point of ice क्या है, 0 degree centigrade. That means ice melt होता है 0 degree centigrade पे. तो मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो मेल्टिंग है, ये जो मेल्टिंग प्रोसेस है, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन भी इसको कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बोला, इसका 0 degree centigrade है. और अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो उसका मतलब है कि वो सॉलिड, यानी जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका मतलब है कि उसमें पार्टिकल्स के बीच, एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है. सो हाई द मेल्टिंग पॉइंट,
high is the, yani greater is the force of attraction between the particles in that substance. तो मेरे कहने का मकसद है स्टूडेंट्स कि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दैट मीन्स उस सबस्टेंस में पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं. सो मोर द मेल्टिंग पॉइंट मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन दैट सबस्टेंस. यहाँ पे मैंने लिखा कि एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेंटीग्रेड. आयरन में यानी लोहे का टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये बहुत हाई टेम्परेचर है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है. इसका मतलब है कि इसमें आयरन पार्टिकल्स आयरन एटम्स स्ट्रांगली यानी अट्रैक्टेड रहते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं. सो मोर द मेल्टिंग पॉइंट मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैट सबस्टेंस. तो दूसरा है स्टूडेंट, दूसरी प्रोसेस है बॉइलिंग, जिसको हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं. अब बॉइलिंग क्या है या वेपोराइजेशन क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड सबस्टेंस इनटू गैस, यानी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, उसको बॉइलिंग कहते हैं. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर्स ऑन हीटिंग, उसको वेपोराइजेशन कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं. नाउ व्हाट इज बॉइलिंग और व्हाट इज वेपोराइजेशन, लिक्विड स्टेट चेंज होना किसमें, गैस फॉर्म है या वेपर फॉर्म है, तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं. और इट आल्सो टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग. सो प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस और वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग. तो हम हीट कर रहे हैं इसको, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में, या जिसको हम वेपर कहते हैं, वेपर में इसका नोट होता है. इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं. और स्टूडेंट्स याद रखना, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जिसमें एक जिसपे एक लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी गिवन एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हम नॉर्मल लेते हैं, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो वो हम यानी उस पे गिवन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, कि वो उस टेम्परेचर पे जहां जिसपे लिक्विड चेंज होता है गैस में एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सबस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वाटर लिया, इसको मैंने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में. वाटर लिक्विड है, इसको मैंने हीट किया तो गैस बन गया, दैट मीन्स वेपर्स बन गए. तो ये इस जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, यानी लिक्विड में वाटर जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है गैस में वेपर्स में, उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं. उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब हम वाटर को, वाटर क्या है, लिक्विड है, जब हम इसको हीट करते हैं ये गैस में कन्वर्ट होता है. जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, यानी जिस टेम्परेचर पे वाटर कन्वर्ट होता है गैस में या वेपर्स में, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस. तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, उसका मतलब है उस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, उसमें पार्टिकल्स को स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल क्या है, ये 78 डिग्री सेल्सियस. तो जब हम हीट देंगे वाटर को, तो टेम्परेचर जब पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये गैस में कन्वर्ट होता है. इसी तरह से एल्कोहल को जब हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो 78 डिग्री सेल्सियस पे ये कन्वर्ट होता है वेपर्स में, गैस में. तो स्टूडेंट्स याद रखना, हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि इस लिक्विड में पार्टिकल्स स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं, क्लोजली हेल्ड रहते हैं, स्ट्रांगली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रांगली उनमें यानी मजबूती से उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स, वो स्ट्रांगली क्या, मजबूती के साथ हेल्ड रहते हैं, यानी उनके बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. लेकिन जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसमें उसका मतलब है कि उसके पार्टिकल्स भी वीकली अट्रैक्ट रहते हैं, यानी उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. आप मुझे बताइए, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, वाटर में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है. तो बॉइलिंग पॉइंट हमें ये इंडिकेट करता है कि
इस लिक्विड में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा है या कम, वो हमें बॉइलिंग पॉइंट बताता है। गैस टू लिक्विड और एक स्टूडेंट्स प्रोसेस है कि हम मैटर की स्टेट ऐसे भी यानी चेंज कर सकते हैं। वी आवर टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हम चेंज कर एक स्टेट ऑफ मैटर की ये फॉर्म को स्टेट को चेंज करते हैं दूसरी फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जब सॉलिड लिक्विड होता है, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में उसको मेल्टिंग कहते हैं, इसी तरह से लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में उसको बॉइलिंग कहते हैं। अब गैस टू लिक्विड यानी जब गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में उसको कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इन टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। अब कूल करने से यानी जब वेपर्स बन गई, जब किसी लिक्विड की वेपर्स बन गई, गैस बन गई, तो उसको जब हम कूल करते हैं तो वो वापस कन्वर्ट जाते हैं किसमें, लिक्विड में, चेंज हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में। सो द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इन टू अ लिक्विड ऑन कूलिंग, तो उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडेंसेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। लेकिन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट कूलिंग। अभी तक हमने जो प्रोसेस दो किए हैं, बॉइलिंग किए हैं या मेल्टिंग किए, वो हीटिंग पे, लेकिन ये कंडेंसेशन कूलिंग पे होती है। इट इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो स्टूडेंट्स बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो इसका मतलब है ये दो प्रोसेस आपस में रिवर्स हैं, ठीक है, अपोज हैं। इट इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, उसको हम उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, उस प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज होता है, लिक्विड तब्दील होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में, ऑन कूलिंग यानी कूल करने से, उसको फ्रीजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, यहाँ पे ये लिक्विड है, इसको हमने कूल किया, बहुत कूल किया, तो आइस बन गया, आइस सॉलिड है, तो लिक्विड कन्वर्ट किसमें हो गया, सॉलिड में यानी आइस में, ऑन कूलिंग प्रोसेस, यहाँ पे मैंने लिखा कूलिंग पे ये होता है, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रीजिंग इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। तो ये दो प्रोसेस आपस में रिवर्स हैं। सो इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर फ्रीज भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अब इसका सम अप लिया जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको मैंने हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, मेंशन किया मैंने यहाँ पे मेल्टिंग। अब लिक्विड को मैंने और हीट किया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड टू गैस, उसको बॉइलिंग कहते हैं। अब ये जो गैस यहाँ पे है, इसको मैंने कूल किया तो ये लिक्विड बन गया, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब जो लिक्विड है, इसको मैंने और कूल किया तो ये सॉलिड बन गया, तो उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।